नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको रेल संबंधित प्रश्न यानी कि ट्रेंड्स क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पार्ट वन और पार्ट टू, और इस वीडियो में मैं आपको पार्ट थ्री बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, है ना। चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि पढ़िएगा। क्वेश्चन है, क्या 110 मीटर लंबी एक ट्रेन की रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही है, तो यह रेलगाड़ी, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, यह रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, ये बताना है। 132 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। 132 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने का मतलब क्या है कि आपका 132 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 से गुना करना है। जब अब इसको गुना करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 110/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको आंसर के ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको मैं सॉल्व किया हूँ। गाड़ी की चाल, ट्रेन की जो चाल है वो क्या है, 132 मीटर प्रति घंटा, और 5/18 से गुना करने पर आपका कितना आ गया, 110/3। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका, है ना, चाल गुना समय, चाल सॉरी दूरी, दूरी बट्टा चाल, है ना। समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है आपका, दूरी आपका है 110, है ना, 110 है, 110 आपका क्या है, ट्रेन की गाड़ी की लंबाई है, है ना, और उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 165 है। ठीक है, ये हो गया आपका दूरी। ठीक है, दूरी हो गया, और समय और चाल निकालना है ना, दूरी बटे चाल, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये दूरी आपका हो गया 110 प्लस 165, और चाल हो जाएगा कितना, 110/3। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, और ये जो है आपका 110/3, जब ये आप ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, और 110 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर में भी इसी तरह दिया हुआ है कि 110 प्लस 165 और गुना 3/110। ठीक है, तो आपका ये 110 प्लस 165 275 हो गया, और गुना 3/110, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 यानी कि 7.5 सेकेंड में वो क्या करती है, प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, है ना। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चल इसको लाइक करिएगा वीडियो को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ आपके आपके सामने है, 10वां प्रश्न, समझिएगा। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। 270 मीटर की रेलगाड़ी है, है ना, और वो एक टेलीफोन के खंभे को, यानी कि खंभे को पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई की वो पार कर रहा है, है ना, तो 18 सेकंड में पार कर रही है, तो वही गाड़ी की चाल बता दो। गाड़ी की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। दूरी क्या है आपके सामने, है ना, दूरी आपके पास वही है जो आपका ट्रेन की लंबाई है ना, खुद की लंबाई पार कर रहा है, तो दूरी आपका 270 हो जाएगा ना, दूरी बट्टे समय कितना, 18 बस। और आपको क्या करना है, 5/ मतलब आपको चाल चाहिए ना, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। किस लिए, क्योंकि आपको घंटा में दिया हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसलिए 18/5 से गुना किया। 18 से 18 आपका कैंसिल हो गया, और ये जब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, ये देखिए क्या है आपके पास, ये 10 को, ये 5 जो है ना, इसको आप 10/2 लिख दीजिए। ठीक है, 10/2 लिख लेने से आपको क्या होगा, ये 2 तो है आपका ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपका 27 दूनी क्या होगा, 54, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है, 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है,
30 मीटर लंबी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से, है ना, मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर पुल को पार कर रहा है, तो है ना। तो आप यहाँ पे समझने वाला क्या चीज़ है ये समझिएगा, दूरी बट्टा चाल। क्या होगा, दूरी बट्टा चाल, हमेशा याद रखना है कि दूरी बट्टा चाल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30 सेकंड में क्या हो रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड में तो भाई क्रॉस कर रहा है, यानी एक सेकंड, एक यानी कि 30 मीटर में एक सेकंड लगा रहा है, है ना, 30 मीटर में एक सेकंड लगा रहा है। तो आपको करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में पहले दूरी लिख लीजिए, 270 और 180 को जोड़ दीजिए, दूरी बट्टा चाल निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है ना। 270 प्लस 180 अब बटा चाल क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये हो गया आपका 30 नीचे में, ये दोनों अब जुटेगा, 270 प्लस 180 ये हो जाएगा 350 और 100 450, है ना, मतलब 450 ये हो गया गाड़ी की कुल दूरी, है ना। और उसके बाद समय कितना है 30, यहाँ से आपका कट जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 30 तीन से कटेगा 15 बार, है ना, यानी कि 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 15 सेकंड ऑप्शन डी के तरफ आपका चला जाएगा क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन डी, समझ गए ना, ये पूरी तरह से, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलते हैं।